सुधीर चौधरी जो है आदिवासी को अपमानित कर रहा है, कोई बड़ी बात के तौर पर मत देखिए। इसके जो गुरु हैं नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो खुद ही आदिवासियों को बनवासी क्यों कहते हैं भाई? आप इस देश के जो है प्रधानमंत्री हैं, आप आदिवासियों के मान सम्मान आत्म सम्मान की आपको चिंता नहीं है? क्या कोई आदिवासी खुद को बनवासी कहलाना पसंद करेगा? कौन आज की तारीख में बनवासी कहलाना पसंद करेगा? आदिवासी बनवासी शब्द को एक गाली की तरह लेते हैं, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के जो ये चेले चपाटे बाजार में फैले हुए हैं, उन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को अपमानित किया तो क्या किया? दूसरा जो एक इसका ये पहलू है, असल में सुधीर तिहारी जैसे लोग जिनकी मानसिकता इतनी जातिवादी है, इतने कास्टिस्ट हैं ये लोग, इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि आदिवासी है तो नंग धरंग जैसे तैसे जंगल में रहेगा। दलिता एंकर क्यों नहीं है? आदिवासी एंकर क्यों नहीं है इस देश में? सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। सर, सुधीर चौधरी एक बार फिर से विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें अरेस्ट की भी मांग की जा रही है, उन्होंने जिस तरीके से आदिवासियों का अपमान किया है, क्या कहना चाहेंगे? सुधीर चौधरी जो है उसके लिए कीवर्ड है वो हैबिचुअल क्रिमिनल है, मतलब आदतन अपराधी, ये कोर्ट की भाषा है। सुधीर चौधरी हर दिन नया अपराध करता है, ये तो कुछ अपराध ऐसे हैं जो खुलकर सामने आ गए। नोट की चिप की स्टोरी उसने जो की थी, पूरा देश दुनिया में हास्य का पात्र बना था, और जेल गया हुआ है वो सुधीर चौधरी तिहार जेल में, उसका नाम भी तिहारी चौधरी हो गया है इस वजह से। और इस बार उसने हिम्मत की है एक आदिवासी मुख्यमंत्री को अपमानित करने की। तो सुधीर चौधरी ऐसा कर रहा है तो इसमें मुझे कुछ बड़ा नहीं दिख रहा है, कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि तमाम आज की तारीख में पूरी भारतीय मीडिया जो है वो इतनी जातिवादी है, इस मीडिया का करेक्टर इतना जो है NTSC ST OBC माइनॉरिटी NT वुमेन है कि इसे आप और कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे श्वेता सिंह हो, अमन चोपड़ा हो, सुधीर चौधरी है हो, ये लोग रोज आग उगलते हैं। ऐसे एंकरों को तो जेल भेज देना चाहिए। ये लोग तुरंत ट्वीट करके भी एक्सपर्ट कहते हैं कि मैं इस तरीके की निष्पक्ष पत्रकारिता करता रहूंगा, कुछ भी। अब वो कितना निष्पक्ष नहीं, उसके बाद भी माफीनामा भी उसने पोस्ट किया है सुधीर ने, हाँ तिहारी ने माफीनामा भी लिखा है, आदिवासी समाज से माफी मांगता। असल में वो वकीलों की सलाह पर मांग रहा है, उसको पता है कि ST Act लग गया है, जेल जाना होगा। यह अलग बात है कि अभी तो राम राज्य है, राम राज्य में जिसके साथ सेल्फी हो सुधीर मोदी की, वो भला क्यों जेल जाएगा? दूसरी बात, सुधीर चौधरी जो है आदिवासी को अपमानित कर रहा है तो कोई बड़ी बात के तौर पर मत देखिए। इसके जो गुरु हैं नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो खुद ही आदिवासियों को बनवासी क्यों कहते हैं भाई? आप इस देश के जो है प्रधानमंत्री हैं, आप आदिवासियों के मान सम्मान आत्म सम्मान की आपको चिंता नहीं है? क्या कोई आदिवासी खुद को बनवासी कहलाना पसंद करेगा? कौन आज की तारीख में बनवासी कहलाना पसंद करेगा? आदिवासी बनवासी शब्द को एक गाली की तरह लेते हैं, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के जो ये चेले चपाटे बाजार में फैले हुए हैं, उन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को अपमानित किया तो क्या किया? दूसरा जो एक इसका ये पहलू है, असल में सुधीर तिहारी जैसे लोग जिनकी मानसिकता इतनी जातिवादी है, इतने कास्टिस्ट हैं ये लोग, इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि आदिवासी है तो नंग धरंग जैसे तैसे जंगल में रहेगा, पत्ता चुनेगा, बीड़ी बनाएगा, पत्तल बनाएगा, आधा कपड़ा पहना हुआ जंगल में रहेगा, दलित भी उसी तरह नंग धरंग रहेगा, पिछड़ा भी उसी तरह रहेगा। मतलब इन मनुवादियों के दिमाग में इन्होंने जो आदिवासियों की छवि बनाई है, ये छवि उनकी बनी है सदियों से, हजारों साल से जो शोषण होता आया है, जिस तरह की जिंदगी इन्होंने देखी है दलितों की। तो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के आने के बाद बदल गई छवि, लेकिन इनके दिमाग में मनुस्मृति तो हट गया, किताब के रूप में मनुस्मृति हट गया, लेकिन इनके दिमाग में जो है वो मनुस्मृति का पन्ना खरखराता रहता है। इसलिए कभी वो आरक्षण के खिलाफ गाली बकेगा, कभी दलित पिछड़ों के खिलाफ गाली बकेगा, कभी डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ गाली बकेगा, क्योंकि इनको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आने के बाद इस देश में जो है चीजें बदल गई और संविधान की वजह से बदल गई, लेकिन इनका दिमाग में जो सॉफ्टवेयर है जातिवादी वो नहीं जा रहा है। इनको कोट पैंट पहना हुआ दलित आदिवासी नहीं पसंद है। पर मोदी जी तो जाति मानते ही नहीं है ना? नहीं, मोदी जी जाति नहीं मानते, इसीलिए जो है
अहमदाबाद में मोदी सम्मेलन होता है और उसमें जो है अमित शाह जाते हैं, दिल्ली सम्मेलन होता है उसमें मोदी जी जाते हैं, प्रधानमंत्री से कहते हैं मोदी जी मैं पिछड़ा का बेटा हूँ और कहते हैं कि जो है हम जात पात नहीं मानते हैं। कोई ऐसी सीट पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी बता दें जहाँ की जाति के आधार पर जो है टिकट का बंटवारा उनकी पार्टी या मोदी जी नहीं करते हैं। तो ये सबका साथ सबका विकास यही है। इस देश में कितना जज दलित तो जज हो भी रहा है, पांच पांच जज दलित हो गया, ओबीसी जज क्यों नहीं है, वाइस चांसलर ओबीसी क्यों नहीं होता, क्यों नहीं हो रहा है, दलित एंकर क्यों नहीं है, आदिवासी एंकर क्यों नहीं है इस देश में, योग्यता नहीं होगी ना उनमें। नहीं, योग्यता जो है इस देश में अवसर का नाम है और अवसर जो है इस देश में अवसर देने का जो है मामला है वो ब्राह्मणों के हाथ, ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता है सदियों से, वो क्यों अवसर देंगे। अब एक जज होता है ब्राह्मण, उसका बेटा, उसका भतीजा, उसका दामाद का चचेरा भाई का फुफेरा भाई, यही जज होगा, ये इस देश में। अब पत्रकारों की नियुक्ति का सवाल है, कितने दलित एंकर हैं, कितने आदिवासी एंकर हैं, तो जो न्यू इंटरव्यू लेते हैं बोर्ड में कितने लोग दलित आदिवासी हैं, तो जब बोर्ड में नहीं होगा, इंटरव्यू लेने वाला दलित आदिवासी नहीं होगा, तो फिर कैसे कोई आएगा। तो मेरिट सा, और जो आज कह रहे हैं मेरिट का गाना गा रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं करोल बाग के पब्लिक स्कूल में, उसको पढ़ा दीजिए मेरे गांव घोरघट के सरकारी स्कूल में, सब मेरिट का तेल निकल जाएगा। और जो आईटीओ चौक पे बच्चा के आपका खिड़की खटखटाता है ना, 10 रुपए हम गुलाब का फूल बेचता है, वो दलित पिछड़ा का बच्चा है, उसको पढ़ा दीजिए करोल बाग के कॉन्वेंट स्कूल में, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो सारा मेरिट जो है, मेरिट सिर्फ अवसर का नाम है, अपॉर्चुनिटी ही मेरिट है, जिसको अवसर मिला। और हमारे साथ क्या है, इस देश में SC ST OBC समाज का तो अवसर छीन लिया गया है ना, हमारा अवसर छीन लिया गया। इसीलिए हम लोग बात करते हैं हमेशा कास्ट सेंसस की बात क्यों करते हैं, ताकि पता चले कि हमारा हक कौन छीना है, हमारा अवसर कौन छीना है। जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। तो कास्ट सेंसस की जो हमारी मांग है वो भी उसी से जुड़ी हुई है जिस मेरिट की आप बात करें, पता तो चले हक कौन खा जा रहा है। नहीं तो वो दे रहे ना, अभी कपूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, अभी आज ही का जो बिल्कुल ब्रेकिंग चल रहा है लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए आपको? कौन सा एहसान कर रहे हैं भैया, कर्पूरी जी को भारत रत्न देकर कौन सा एहसान कर रहे हैं? कांसीराम जी को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए क्या? आडवाणी जो कि बाबरी मस्जिद ढहाने का आरोपी है, क्या कांसीराम जी से ज्यादा काबिल है? कांसीराम जी को भारत रत्न नहीं मिलना था? आदिवासी जयपाल मुंडा को भारत रत्न नहीं मिलना था? जयपाल मुंडा से ज्यादा काबिल है क्या आडवाणी जो इसको भारत रत्न दे रहे हैं? तो इस देश में मेरिट का मतलब कौन जाता है? क्यों नहीं भारत आज तक जो है 70-75 साल का गाना सब लोग गाते हैं, आज तक कोई दलित को जो है बाबा साहब को छोड़ दें, किसी दलित को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? कोई यादव को क्यों नहीं मिलता? कोई कुर्मी को क्यों नहीं छोड़ता? यादव कुर्मी छोड़ दिया, कोई राजपूत को भारत रत्न नहीं मिला? तो भारत रत्न क्या इस देश में ब्राह्मणों की बपौती है, ब्राह्मणों को मिलता रहेगा? तो भारत रत्न नहीं, वो ब्राह्मण रत्न है, सिर्फ ब्राह्मणों को मिलता है। नहीं नहीं ये हाँ ये धीरे ही चलेगा, ये प्रक्रिया धीरे ही चलेगा और धीरे होता रहेगा। और कभी कभी तो ये भारत रत्न दे देंगे कर्पूरी ठाकुर को, लेकिन जो कर्पूरी की औलादे हैं वो जो है भूखा मरेगा, उसके नौकरी का अवसर खा जाएंगे, उनके थाली का खाना खा जाएंगे जो कर्पूरी की औलादे हैं, जो सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं उनका आरक्षण खा जाएंगे, हकमारी कर लेंगे, भारत रत्न दे देंगे। जैसे आदिवासी को राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन उसके बहाने जो है दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री को गाली दिलवा रहे हैं, आदिवासियों से जल जंगल जमीन का हक छीन रहे हैं, उनका आरक्षण खा रहे हैं, उनको कहीं का नहीं छोड़ा। आप देखिए सहदेव के जंगलों में क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में, आप राष्ट्रपति बना रहे आदिवासी को और उनके जंगल छीन रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस सरकार की मंशा स्पष्ट है, इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी अपनी औकात में रहे, इस सरकार की मंशा ये विकास हो रहा है ना। तो चौतरफा विकास किसका हो रहा है इस राज्य में? देश का हो रहा है। नहीं नहीं देश का सब मतलब सवर्णों का विकास जो है चौतरफा विकास है। कौन बोल रहे हैं रामराज? रामराज होगा, सवर्णों का राज होगा। नहीं नहीं आप बताए, सवर्णों का राज होगा रामराज, हमारा काहे का राम? हम तो शंभुक के वंशज हैं जिसका गर्दन काटा गया, हम तो एकलव्य के वंशज हैं जिसका अंगूठा काटा गया, हम काहे का रामराज? हमारा कोई राम नहीं है, हमारे शंभुक हैं, हमारा एकलव्य है। नहीं वही वो वही करेंगे, अयोध्या को ही डेवलप करेंगे। और आज राम भद्राचार्य बीमार पड़ा है, जाके जाए वहाँ हवाई अड्डा भी है, वहाँ जाके कहे नहीं इलाज कराए, मंदिर चला जाता इलाज कराने, पहुंच गए हैं अस्पताल इलाज कराने के लिए।
पहले तो बड़ा बोल रहे थे कि अमीश देवगन एक पत्रकार है, बड़ा बोल रहा था कि देश को अस्पताल नहीं राम मंदिर चाहिए, तो जाओ राम मंदिर में इलाज करो। अमीश देवगन तो किसी अस्पताल में कभी दिख जाए तो उसको ऊपर फेंक देना चाहिए इस आदमी को, जाओ रामराज में राम मंदिर में इलाज कराओ। भद्दाचार्य ने तो ये लोग विज्ञान के तो ये लोग विज्ञान के दुश्मन है, ये लोग दलितों पिछड़ों आदिवासियों के दुश्मन है। राम भद्राचार्य जो कि ऐसा घटिया आदमी है, ऐसा कुंठित व्यक्ति है जो कि कहता है कि जो राम को नहीं मानता है वो चमार है, ऐसा कहने वाला, ऐसा कहने वाला, इस देश के चमारों को गाली देने वाला, इस देश को के बहुजनों को गाली देने वाला, आज बीमार पड़ा है तो अस्पताल पहुंच गया है, सारा उसका धर्म आज विज्ञान की शरण में। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, फाइनली होना यही है सबको विज्ञान की शरण में ही आना। ईवीएम को लेकर आगे की क्या रणनीति है? ईवीएम को लेकर हम लोग लगातार एक दशक से ईवीएम को लेकर हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ और देश का दूसरा संगठन है बाम सेफ, दोनों संगठन ईवीएम को लेकर लगातार एक दशक से काम कर रहे हैं। बाम सेफ का काम इवन ज्यादा है, हम लोग लगातार पूरे देश भर में प्रदेश मुख्यालय पर कार्यक्रम करते रहे। दिल्ली में हमने लगातार पिछले 3 महीने में जो है 5-6 बड़ी मीटिंग कर दी, कल एक और मीटिंग हम लोगों ने दिल्ली में रखी है। आने वाले 19 फरवरी 2024 को एक सूचना भी है कि देश के दो बड़े बहुजन नायक डॉक्टर उदित राज जो परिसंघ के अध्यक्ष हैं और वामन मिश्राम जो कि बाम सेफ के अध्यक्ष हैं, दोनों मिलकर संयुक्त रूप से 19 फरवरी को जंतर मंतर पर 11 बजे से ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग इस लड़ाई से जुड़ना चाहते हैं ईवीएम के खिलाफ लड़ाई से, क्योंकि ईवीएम की लड़ाई जो है सिर्फ जो है ईवीएम का मसला नहीं है चुनाव जीतने का, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हम लोगों को संविधान की किताब दी, उस संविधान की किताब को बचाने का मसला है, देश को बचाने का मसला है, लोकतंत्र को बचाने का मसला है। जो भी साथी 19 फरवरी 2024 को हमारे बाम से परिसंघ और तमाम अंबेडकरवादी संगठनों के इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे मोबाइल नंबर 8789325595 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपना डिटेल भेजिए और इस लड़ाई से जुड़िए। याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, संविधान बचाने का ये आखिरी दौर चल रहा है। देखिए, वामन मिश्राम साहब देश के बड़े नेता हैं, हम लोगों के लीजेंडरी लीडर हैं। वामन मिश्राम साहब ने जो कहा है, मैं उनकी तरफ से अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं उनकी बात का समर्थन जरूर करता हूं। वामन मिश्राम साहब ने जो कहा, आप उनसे जवाब ले सकते हैं, 19 फरवरी को वो होंगे, उनसे आप जवाब ले सकते हैं क्या तैयारी है। और यह लड़ाई सबकी लड़ाई है, सब लोग साथ हैं, सब मिलकर लड़ें, ईवीएम हटेगा तभी देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा।